हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन साथियों के लिए है जो ब्लॉगर पे अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि यार इनमें से मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ब्लॉगर बेस्ट है या फिर वर्डप्रेस बेस्ट है, इन दोनों में से मुझे कौन सा यूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस के बारे में बताने वाला हूं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है और आपको इन दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। अगर दोस्तों प्राइस की बात करें तो ब्लॉगर है बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल है ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता है। ब्लॉगर पे आपको कहीं पर भी कुछ खर्च नहीं करना है। यहां पर आपको जो होस्टिंग है वो भी फ्री में मिलती है, क्योंकि गूगल है वो प्रोवाइड करता है। केवल आप एक डोमेन है वो परचेज कर सकते हो जब आप चाहो, अगर चाहो तो कर सकते हो, वरना फ्री वाले डोमेन से भी आप काम है वो चला सकते हैं। अगर अपन बात करें वर्डप्रेस की तो भैया वर्डप्रेस में कुछ भी फ्री नहीं है, यहां पर आपको हर एक चीज है वो परचेज करनी पड़ेगी। यहां होस्टिंग भी आपको परचेज करनी पड़ेगी, डोमेन है वो भी आपको परचेज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्डप्रेस वो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत कॉस्टली है, नहीं। यहां पर आप 1000 रुपए सालाना देकर के होस्टिंग भी आप परचेज कर सकते हो, डोमेन है वो भी आप परचेज कर सकते हो। जैसे जैसे आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाता है वर्डप्रेस पे, वैसे वैसे आप इसकी होस्टिंग है वो इंक्रीज कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो यहां पर कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, जैसे आपके ट्रैफिक आता वैसे वैसे खर्चा बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ साथ में इनकम है वो भी होती जाएगी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं यहां पर इसके थीम या टेम्पलेट्स की। अगर दोस्तों ब्लॉगर के टेम्पलेट्स या थीम की बात करें तो यहां पर जो पहले से प्री डिजाइन जो थीम होती है बिल्कुल नॉर्मल थीम होती है, जैसा अपन चाहते हैं, जैसी डिजाइन अपन चाहते हैं वैसी थीम हमें ब्लॉगर में देखने को नहीं मिलती। अगर वर्डप्रेस की बात करें तो भैया वर्डप्रेस में बहुत सारी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आपको जो थीम है वो मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन की, जैसा आप चाहते हो आप फ्री में भी आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हो, लेकिन फ्री में बहुत सारी थीम आपको वर्डप्रेस के लिए मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके कस्टमाइज की। अगर दोस्तों ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर को जैसा हम चाहते हैं वैसा कस्टमाइज नहीं कर सकते, जैसी डिजाइन अपन चाहते हैं ब्लॉगर में वैसा अपन नहीं कर सकते। अगर हमें ब्लॉगर की थीम को कस्टमाइज करना पड़ता है या करने की जरूरत पड़ती है तो अपन कहीं से कोई ब्लॉगर थीम उठाते हैं और अपने ब्लॉगर के अंदर उसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ज्यादा कोडिंग की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ब्लॉगर की थीम को अपन कस्टमाइज है वो ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें अपन वर्डप्रेस थीम की तो भैया जैसा आप चाहते हो, जैसा लुक आप चाहते हो, जैसी डिजाइन आप चाहते हो वैसा का वैसा आप कर सकते हो। यहां पर आपको ज्यादा कोडिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको भले ही कोडिंग आए या नहीं आए लेकिन फिर भी एक डिजाइनदार थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन है वो कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं स्पीड की कि इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होती है। अगर दोस्तों ब्लॉगर की बात करें तो अगर जैसे अपन एक नॉर्मल थीम यूज करते हैं या नॉर्मल टेम्पलेट अपने ब्लॉगर पे अपन इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे अपन फॉर एग्जांपल जैसे किसी अपन ब्लॉगर को कस्टमाइज करते हैं, कोडिंग करते रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए हमें अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती है, तो वैसे वैसे इसकी अगर कोडिंग बढ़ती जाती है तो भैया धीरे 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 ब्लॉगर की जो स्पीड है वो डाउन होती चली जाती है। लेकिन अगर अपन दूसरी तरफ बात करें वर्डप्रेस की तो भैया इसकी स्पीड है आप इंक्रीज है वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें पहले से कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे प्लगइन होते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए, और इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन भैया ब्लॉगर में स्पीड को लेकर दिक्कत आती है। अगर आप नॉर्मल लिखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे कंटेंट आपके ब्लॉगर पे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी स्पीड है वो डाउन होती चली गई। चलिए अब बात करते हैं भैया गूगल रैंकिंग की कि ब्लॉगर गूगल रैंकिंग में पहले आता है या फिर वर्डप्रेस ब्लॉग पहले आता है। तो भैया बात करें तो देखिए ब्लॉगर पे आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है जो गूगल पे आपको रैंक है वो करवा दे, आपको हर काम है मैनुअली करना पड़ता है और इसके लिए आपको बहुत सारा ज्यादा दिमाग है वो खर्च करना पड़ता है। और मेरे जैसे क्रिएटर की वीडियो देखते 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 आप परेशान भी हो जाते हो, लेकिन फिर भी हमारी ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के सर्च में नहीं आती। हालांकि ब्लॉगर है वो गूगल का प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन भैया यहां पर जल्दी से कोई पोस्ट है वो गूगल के रैंक में नहीं आती क्योंकि हमें एसईओ की जानकारी नहीं होती। अगर एसईओ की यहां पर बात करें
हैं, तो भैया ब्लॉगर के अंदर एसईओ ज्यादा अपन कर भी नहीं सकते। जिसको एसईओ का ज्यादा नॉलेज है वो कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल जो पर्सन होता है जिसको ब्लॉगर के बारे में या ब्लॉग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अपने ब्लॉग का ज्यादा एसईओ है वो नहीं कर सकता। अगर दूसरी तरफ अपन बात करें वर्डप्रेस की, तो भैया यहां पर आपको पहले से ही अपनी पोस्ट को गूगल के सर्च में या रैंक में लाने के लिए बहुत सारे आपको टूल्स आपको यहां पे मिल जाते हैं, प्लगइन आपको मिल जाते हैं। बस अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर उसको आप इंस्टॉल करो और आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को है वो रैंक करवा सकते हो। वहां पे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, वो जो टूल्स आते हैं, जो प्लगइन आते हैं, वो आपको अपने आप बता देते हैं कि आपकी पोस्ट के अंदर ये कमी है, आप इसे है अपडेट करो या इसमें कुछ चेंजमेंट करो। तो ये काम अपन बिल्कुल आसानी से वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पे जो ब्लॉगर है वो गूगल के कम रैंकिंग में आता है और वर्डप्रेस की जो साइट है वो गूगल के ज्यादा रैंकिंग में आती है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर भैया एडसेंस अप्रूवल की, कि ब्लॉगर में एडसेंस पहले मिलता है या फिर वर्डप्रेस में। तो भैया इस मामले में दोनों सेम है। यहां पर आप जो वर्डप्रेस अपने वेबसाइट है या फिर अपना ब्लॉग है या फिर ब्लॉगर में, दोनों में एडसेंस अप्रूवल है, आसानी से मिल जाता है यदि आप गूगल के प्रोडक्ट के अनुसार काम करते हो, रूल के अनुसार आप काम करते हो, तो यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली। आसानी से आपको एडसेंस का अप्रूवल है दोनों में मिल जाता है। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। अगर पहले बात करें ब्लॉगर की, तो भैया सिक्योरिटी के मामले में ब्लॉगर इज द बेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉगर है वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल की सिक्योरिटी तो भैया बहुत मजबूत है, इसको कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। और मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि भी किसी का ब्लॉगर अकाउंट है वो हैक हो गया। तो कहने का मतलब ब्लॉगर की सिक्योरिटी अच्छी है। अगर बात करें अपन वर्डप्रेस की, तो सिक्योरिटी के मामले में जो वर्डप्रेस है वो थोड़ा सा डाउन है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी सिक्योरिटी है नहीं, नहीं सिक्योरिटी है, इसके लिए आपको अलग से टूल्स हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अलग से प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग है आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। तो आपकी जो वर्डप्रेस साइट है या फिर आपका जो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वो भी सिक्योर है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्डप्रेस है वो डाउन हो जाएगा, नहीं, सिक्योरिटी के मामले में वो भी ठीक ठाक है, लेकिन वहां पर आपको हर एक चीज है वो अपने दिमाग से करनी पड़ेगी, जबकि ब्लॉगर में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ है वो गूगल है वो करने वाला। चलिए ये तो ये भी है इसके डिफरेंस के बारे में, शायद आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहां पर कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ब्लॉगर यूज करना चाहिए या फिर वर्डप्रेस है वो यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं यहां पे मेरी ओपिनियन बताऊं, तो देखिए शुरुआत में यदि आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो शुरुआत में आपको ब्लॉगर वो यूज करना चाहिए। धीरे धीरे आप जैसे आप इसे यूज करोगे तो इसकी जो भी आपको दिक्कत आएगी, जो भी समस्या आएगी, धीरे धीरे आप इसके बारे में आप सीखते चले जाओगे। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करने लग गया है, ट्रैफिक है आपके ब्लॉग पे बहुत ज्यादा है वो आने लग गया है, और लंबे समय तक आप अपने ब्लॉग को रखना चाहते हो, तब ऐसी स्थिति में आपको अपने ब्लॉगर से ट्रांसफर हो जाना है वर्डप्रेस की साइट के ऊपर, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, हर प्रकार की डिजाइन है वो आप कर सकते हो और अपनी पोस्ट को और ज्यादा रैंकिंग है वो गूगल में ला सकते हो और ज्यादा पैसा है अर्निंग है वो आप कर सकते हो। इसके बाद यहां पे बात करें, देखिए ब्लॉगर के अंदर बहुत सारी कोडिंग होती है, तो कोडिंग के लिए अपने को अलग अलग कोड है वो कहीं से देखने पड़ते हैं, या तो किसी क्रिएटर की वीडियो देखनी पड़ती है या गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है, हर एक चीज के लिए कोडिंग है वो करनी पड़ती है ब्लॉगर के लिए। लेकिन वर्डप्रेस में तो ऐसा नहीं है, वहां पर आपको कुछ नहीं, सब कुछ प्री डिजाइन आपको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा वहां पे आपको दिमाग लगाना, बाकी कुछ नहीं करना। ज्यादा फोकस रहेगा आपको अपनी पोस्ट पे, किस तरह से आपको रैंक करवानी है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, बस वही आपको दिमाग लगाना, बाकी वर्डप्रेस पे आपको ज्यादा दिमाग है वो नहीं लगाना। लेकिन अगर बात करें यार इसमें तो वर्डप्रेस में पैसा लगता है, तो देखिए दोस्तों जब आप कोई भी प्रोडक्ट फ्री में यूज करते हो तो वो फ्री वाला ही काम करता है। अब ब्लॉगर फ्री है तो यहां पर आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, लेकिन वर्डप्रेस तो आप जब परचेज कर रहे हो तो आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। तो मेरी राय के अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि शुरुआत में आपको ब्लॉगर यूज करना चाहिए, उसके बाद आपको वर्डप्रेस वो यूज करना चाहिए। आप शुरुआत में भी वर्डप्रेस पे आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी का ध्यान नहीं है, कोडिंग का आपको ध्यान नहीं है, तो शुरुआत में जब आप पैसे खर्च कर दोगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है और आपके फालतू में पैसे वो खर्च हो सकते हैं। तो ऐसे में पहले आपको ब्लॉगर पे अपनी पोस्ट लिख के अपने आपको ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आपको वर्डप्रेस पे है वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो बस मैं आपको यही कहूंगा। अब आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा यूज करना है, आप ब्लॉगर यूज करना चाहते हो या फिर वर्डप्रेस है वो यूज करना चाहते हो। कमेंट में मुझे बताएगा कि आपके लिए
कौन सा है वो बेस्ट रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि आपके लिए भैया शुरुआत में तो देखिए ब्लॉगर बेस्ट रहेगा, उसके बाद में वर्डप्रेस है वो बेस्ट रहेगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे मेरी बताऊं तो मेरी खुद की जो वेबसाइट है वो भी मैंने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल है वो कर रखी है, अच्छी खासी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कमाई है वो भी हो रही है। तो ऐसे में लास्ट में आपको ये कहूंगा शुरुआत में ब्लॉग यूज करो, बाद में वर्डप्रेस है वो यूज करो। बताना दोस्तों आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।